the chilling murder here in the national capital. Gruesome details now emerging. So of course, the police are investigating, and remember, the accused Sahil was nabbed from Bulandshahr in Uttar Pradesh. Our senior colleague Mukesh is now joining us on the phone line. Mukesh, पूछताछ में क्या क्या चीजें सामने आई हैं? उसने कबूल किया है क्राइम, कन्फेस किया है उसने कि he did commit the crime, लेकिन और क्या क्या चीजें सामने आई हैं पूछताछ में? देखिए, बिल्कुल, आरोपी साहिल ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने कहा है कि वारदात के वक्त वो काफी गुस्से में था और इसीलिए उसने लड़की को इतनी बुरी तरह मारा। उसका ये कहना है कि लड़की से उसकी दोस्ती पिछले 3 साल से थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो लड़की है वो इसको लगातार इग्नोर कर रही थी। वो बार बार उसको फोन करता था, वो फोन पिकअप नहीं करती थी और उससे बात करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उसका लड़की से झगड़ा हुआ था। इसके बाद लड़की ने आरोपी से पीछा छुड़ाने के लिए एक बार उसको ट्राय पिस्टल भी दिखाई थी, जिससे वो उसको परेशान ना करे, लेकिन इसके बाद ही आरोपी ने लड़की को मारने का प्लान बना लिया और उसने एक चाकू लेकर आया और मौका देखकर उसने लड़की को शाहबाद डेरी इलाके में उस समय घेरा जब वो अपनी भाभी के बेटे के बर्थडे में जा रही थी, और उसने लड़की को तब तक मारा जब तक उसने ये कन्फर्म नहीं कर लिया कि उसकी मौत हो गई है। उसके बाद वो वहां से भाग गया और फिर वो शाहबाद डेरी से रेठाला इलाके में गया, जहां पर एक नाले में उसने चाकू फेंक दिया और उसके बाद उसने बस पकड़ी और अपनी बुआ के यहाँ बुलंदशहर चला गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली पुलिस आज आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश करेगी। रोहिणी कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी पुलिस रिमांड लेगी और पुलिस रिमांड के दौरान जो चाकू है या जो दूसरे एविडेंस हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो आरोपी ने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस कर लिया है और उसने ये भी कहा है कि उसने जो भी किया है, उसने जो हत्या की है, उस पर उसको कोई भी पछतावा नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। सो एज मुकेश इज पॉइंटिंग आउट दैट द अक्यूज्ड इज एब्सोल्युटली एक्सप्रेसिंग नो रिमोर्स एंड वेरी सिग्निफिकेंटली द पुलिस विल सीक कस्टडी और रिमांड ऑफ द अक्यूज्ड टुडे। ही विल बी प्रोड्यूस्ड इन द रोहिणी कोर्ट टुडे एंड सिग्निफिकेंट डिटेल्स इमर्जिंग एज फार एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न। ही इज सेइंग दैट ही हैड यू नो ही ट्राइड टू कंसील द वेपन ऑफ द क्राइम एज वेल, समथिंग दैट द पुलिस हैज नाउ रिकवर्ड। द अक्यूज्ड will be in police custody where further investigation will be carried out.